नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। पूरी दुनिया सत्य के साथ बापू के प्रयोगों पर फिदा है। उनके 150वें वर्ष में भारत अर्ध सत्य के प्रयोगों से दोस्तों गुजर रहा है, तो दस्तक में आज हम उसी से आपको परिचित करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जामिया में 15 दिसंबर को ही हिंसा पर जारी अर्ध सत्य के प्रयोगों को देखिए। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी तोड़ रही है, लाइब्रेरी में छात्रों को पीट रही है और छात्रों के हाथों में है पत्थर। ये दिल्ली की पुलिस है जिसके बारे में गृह मंत्री ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो दुनिया के विख्यात पुलिस बलों में से एक। वो सही कह रहे थे। इस विख्यात पुलिस बल के बलशाली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए। सामने मेज पर कुछ लड़के लड़कियां पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वीरता तो वीरता होती है और दिल्ली पुलिस की वीरता तो माशाल। तो सर जी, वो छात्रों पर टूट पड़ी। एक भी छात्र का कोई प्रतिरोध नहीं, न बदसलूकी, न कोई बहस, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूरमा ठान कर आए थे कि आज तो छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की वीरता के आगे बड़ी लकीर खींचे। छात्र तो चलिए पत्थरबाजी कर रहे थे, तो पुलिस ने हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, आंख फोड़ दी। मान लिया कि लड़कियों ने भी ऐसा कुछ किया होगा कि दिल्ली पुलिस के बहादुर उनके हॉस्टल में घुस गए, उनके दुपट्टे खींचे, उन्हें हाथ लगाया, बदसलूकी की, उन्हें पीटा। लेकिन सीसीटीवी कौन से हिंसा कर रहा है? दिल्ली पुलिस के इस लफंगे को देख लीजिए। वर्दी को ये गुंडे बेहयाई और बर्बरता का लाइसेंस समझते हैं। देश की राजधानी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस शाम दिल्ली पुलिस विशुद्ध लंपटपन पर उतर आई। कोई सबूत दर्ज न हो जाए इसलिए पूरी लाइब्रेरी को तहस तहस कर देने पर उतारू थी दिल्ली पुलिस, जिसे जहां पकड़ा उसे वहीं पीटना शुरू कर दिया। ऑथेंटिक वीडियोस दें और एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर सारी वीडियोस हैं तो वो देखे और बताए कि वो वेरीफाइड वीडियोस हैं और कंफर्म करे। वेयरएज जो वीडियो स्टेट की तरफ से आ रही है उसकी वेरीफाइबिलिटी का कुछ हमें गारंटी नहीं है कि वो कौन दे रहा है और कौन रिलीज कर रहा है, और उसको कोई ऑथेंटिकेट भी नहीं कर पा रहा है और अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी उसकी आई नहीं है। पूरी दुनिया में दिल्ली पुलिस की बहादुरी के सदके पढ़े जाने लगे। बताया जाने लगा कि स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता भी उसके सामने कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर फूल के कुप्पा हुए जा रहे थे कि आखिर उनकी पलटन की जिस बहादुरी से संसार अभी तक अनभिज्ञ था वो इतिहास में दर्ज हो ही गई। एक एसआईटी फॉर्म की गई है जो इन से संबंधित सारे मामलों की जांच कर रही है। उस एसआईटी के संज्ञान में ये सारे वीडियोस हैं। इनमें से जो वीडियोस चले हैं वो बिट्स एंड पीसेस में चले हैं। एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करेगी कि उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। एक वीडियो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जारी किया, एक वीडियो जामिया प्रशासन ने जारी किया, तो इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने भी वीडियो जारी किए ताकि ऐसा लगे कि उसने जो किया मजबूरी में किया। पुलिस के एक वीडियो में छात्र लाइब्रेरी के अंदर जमा हो रहे हैं। बारी बारी से बीसियों छात्र रीडिंग रूम में दाखिल हो जाते हैं। किसी का चेहरा ढका हुआ, सब दहशत में। एक छात्र के हाथ में पत्थर भी नजर आ रहा है और फिर कमरे को बंद कर दिया जाता है। दरवाजे से रीडिंग टेबल को लगा दिया जाता है जिससे कोई अंदर दाखिल न हो सके। लेकिन छात्रों ने दिल्ली पुलिस की बहादुरी को आंकने में भूल की थी। कमरा तोड़ दिया गया, दिल्ली पुलिस छात्रों पर टूट पड़ी। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीट कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है, ये पुलिस के जुल्म की और उनकी ब्रुटैलिटी या बारबरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। और कानून की हिफाजत न करते हुए कानून अपने हाथों में लेकर लोगों के बेरहमी से पिटाई करें, ये पुलिस का काम तो नहीं है। यह वो शाम की बात है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसने जामिया की लाइब्रेरी में कोई हिंसा नहीं की, और उसके जवान तो छात्रों पर चंपा, चमेली, गुलाब और मोगरा बरसा रहे थे। मैं 6 नंबर गेट के सामने आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो पत्थर आप लोग चला रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जो बच्चे बाहर आए हुए हैं मैं कहूँगा कि ये अंदर जाए। डीसीपी साहब शुद्ध नाटक कर रहे थे।
उस समय भी उन्हें पता था कि उनकी पलटन अंदर है और दिल्ली पुलिस का आतंक छात्रों पर कहर बनकर टूट रहा है। मजे की बात यह है कि जब तब के डीसीपी साहब पत्थरबाजी की बात कर रहे थे तो एक भी पत्थर उनकी तरफ आता दिखाई नहीं देता। दिल्ली पुलिस और जो हमारी अपनी इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यानी इसकी इंक्वायरी कर रही है उसको यानी हमने फुटेज दिया है। अब ये इन लोगों के पास कहां से आया ये तो आप उनसे पूछिए कि कहां से आया है और पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। अब देखिए दो तरह की तस्वीरें सामने हैं सारी जामिया की लाइब्रेरी की। एक तरफ जामिया का दिया हुआ वीडियो है जिसमें पुलिस की बर्बरता और बेहयाई साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि छात्र एक जगह जमा हो रहे थे, उनके हाथों में पत्थर भी थे। मैंने यही कहा पत्थर से कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो ये जामिया वाला कोई नया टेक्निक है क्या जामिया में पत्थर से पढ़ाई सिखाने का? तो ऐसा हो तो अगर बताएं। एक तरफ छात्र है तो दूसरी तरफ पुलिस, दोनों अपनी अपनी हिंसा को जायज ठहराने में जुटे हैं, लेकिन हिंसा के दोनों ही अर्थ सत्य में न कहीं नैतिकता नजर आती है और न ही तटस्थता। आज तक ब्यूरो। नागरिकता कानून के विरोध पर यह हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग उस हिंसा के खिलाफ विरोध का एक प्रयोग बन गया। सरकार उन आंदोलनकारियों को कभी देशद्रोही कहती है तो कभी अराजक। अर्धसत्य के इन प्रयोगों से आगे आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हटाने से इनकार कर दिया। सरकार को अदालत ने बात करने के लिए कहा और साथ ही साथ मध्यस्थ को भी कहा जाइए बात कीजिए। गृह मंत्री के आमंत्रण पर अमित शाह से मिलने जा रही शाहीन बाग की औरतों के सामने दिल्ली पुलिस के अफसरों ने हाथ जोड़ दिए थे। इस मुलाकात की गुजारिश का खत अभी भी उनकी मेज पर पड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार को बात तो करनी पड़ेगी। उनके वकील से पूछा कि क्या आप इस पूरे मसले में जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करके इसका कोई समाधान करवा सकते हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो इस प्रदर्शन को किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो पूरे मसले में लोगों को परेशानी हो रही है इससे निजात कैसे मिलेगा। इसके साथ ही साफ हो गया कि 63 दिन से बंद पड़ा कालिंदी कुंज से नोएडा की ओर जाने वाला रोड नंबर 13A कम से कम 24 फरवरी तक तो नहीं खुलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है ये समझ लीजिए। एक, नियम के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन करने की जगह जंतर मंतर है। दो, केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें। तीन, शाहीन बाग में प्रदर्शन का मुद्दा जनजीवन ठप करने की समस्या से जुड़ा है। चार, लोगों को अपनी आवाज सरकार और समाज तक पहुंचाने का अधिकार है। और पाँच, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन बातचीत की मध्यस्थता करें। My colleague Sadhana Ramachandran and I accept the responsibility placed upon us by the Supreme Court. We will be meeting all parties with a view to assisting them to resolve their issues. Supreme Court ने कहा हम अधिकारों की रक्षा के विरोध में नहीं है, हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन से सड़क बंद कर दें तो क्या होगा। अधिकारों और कर्तव्य के बीच संतुलन जरूरी है। ये जो मामला है ये सरकार को हल करना चाहिए, क्योंकि कहाँ कोई बैठेगा, कहाँ कोई प्रोटेस्ट करेगा, उसने रास्ता रोका है या नहीं हो रोका, ये काम सरकार का है, ये काम एग्जीक्यूटिव का है, कर्मान शासन का है। तो अगर ये काम शासन का है तो शासन को हल करना चाहिए। उनको बाकायदे इज्जत से बुलाया गया है, जो लोग भी आए समय लें उनसे बात करें गृह मंत्री जी, लेकिन शाहीन बाग में जाके के तमाशा किया जाए, वहाँ आप हाल देखते हैं ना टीवी पर हल्ला कितना होता है, आइए सौहार्द में बात करिए, हम लोग बात करें। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी सार्वजनिक जगह पर अनंत काल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने से इनकार कर दिया था। इस बार भी कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्यवाही से परहेज किया। ये जनता का प्रोटेस्ट है, जनता इसको लीड कर रही है, जो जनता का फैसला होगा वही हम सबको मान्य करना होगा। NPR NRC वापस लोगा तो ले लेगा तो उठे मैं उठ जाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं वापस लेगा तब तक तो चलेगा। बेंच में शामिल दोनों जजों ने कहा कि एडवोकेट हेगड़े प्रदर्शनकारियों से बातचीत में मदद मांग सकते हैं,
जस्टिस कॉल ने कहा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्रदर्शन की वैकल्पिक जगह खोजें जहां रास्ता न रुके। अब सबको इंतजार है कि क्या शाहीन बाग संजय हेगड़े के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के लायक किसी फैसले पर पहुंच पाएगा। आज तक तो सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धसत्य के साथ एक भीषण प्रयोग किया था। CAA के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा भी हुई लोगों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से। योगी सरकार ने हजारों लोगों को वसूली के नोटिस भेज दिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उसे नुकसान के आकलन का अधिकार नहीं है। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली तक अपने जिस फैसले पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहे थे, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए भेजे जा रहे योगी सरकार के हुक्मनामे अब रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। पर मान्य न्यायालय ने यह कहकर रोक लगा दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन पर एक नियमावली बनाई थी, उस नियमावली को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और वो मामला सब जुडिस है, लिहाजा उस नियमावली के आधार पर ही IGM सिटी की नोटिस जारी की गई है जो अवैध है और विधि के विरुद्ध है। हुआ यूं कि 4 जनवरी को कानपुर के ADM ने UP के बाकी जिलों में जारी किए जा रहे वसूली के नोटिस की तरह ही मोहम्मद फैजान को भी नोटिस भेजा। ADM साहब ने सोचा था कि फैजान दहशत में आकर हाथ जोड़ देंगे, लेकिन वो चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब इस बारे में दिशा निर्देश देखे तो यूपी सरकार को टांग दिया। जहां ये सरकार को अधिकार नहीं था तो उन्होंने नोटिस देने की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया? मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला लेंगे, शायद इसी बदला के क्रम में उन्होंने नोटिस भेजने का काम किया था। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर योगी सरकार ने वसूली के आदेशों की झड़ी लगा दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जानते ही नहीं थे कि संपत्ति के नुकसान का आकलन उनके अधिकार से बाहर की बात है, या यूं कहें कि वो नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर एक मनमाने, बेतुके और अनैतिक फैसले की पताका लहराना चाहते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया, आपको ये हक नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिका के साथ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को देखा तो आग बबूला हो गया। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि लोक संपत्ति के नुकसान की आकलन का अधिकार हाई कोर्ट के जज को है। हाई कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज ही संपत्ति के नुकसान का आकलन कर सकते हैं। जिला जज से नीचे कोई भी लोक संपत्ति के नुकसान का आकलन नहीं कर सकता। ADM सिटी को किसी भी सूरत में वसूली के नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। यूपी सरकार ने जो नियमावली बनाई है वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के सारे आदेशों को शर्माती रखती है, उसका सम्मान करती है, लेकिन जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का काम किया है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम भी इस बात की अपेक्षा करता है कि जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है उसकी भरपाई उससे की जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी बाकायदा इसका उल्लेख किया है। मतलब योगी सरकार ने महीनों से दर्जनों जिलों के जिन अफसरों को वसूली की चिट्ठी तैयार करने में झोंक रखा था वो दरअसल टाइम पास कर रहे थे। न उनके आकलन का कोई मतलब था, न उनके नोटिस का, और न ही संपत्ति जब्त कर लेने की उनकी धमकियों का। आज तक ब्यूरो। सेना में 73 साल से इस अर्धसत्य के साथ प्रयोग जारी था, औरत और मर्द बराबर हैं, लेकिन ऐसा था बिल्कुल नहीं। महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों के साथ आपका ये व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस मुल्क की महिलाओं को मर्दों से कमतर समझने की मानसिकता को एक और झटका लगा है। आजादी के 73 साल बाद सेना में भी औरतों और मर्दों को बराबर मानना पड़ा है। जो हैरानी की बात है वो ये कि ये मानसिकता
भारत की सरकार की थी जो संविधान से चलती है, जिसमें 26 जनवरी 1950 को औरत मर्द अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान अमीर गरीब साक्षर निरक्षर सब बराबर हो गए थे। अब महिलाएं भी सेना में स्थायी अधिकारी हो सकती हैं। बहुत खुशी है इतनी समानता का डिसीजन आया है और आज वो दिन है कि जब हम 10 साल की वेट को पूरा होते हुए देख रहे हैं। बहुत सालों का सपना था जो कि आज पूरा हुआ है और बहुत खुशी है इस जजमेंट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 14 साल पूरे करने के बाद पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। रक्षा मंत्रालय इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हम सेना में औरतों और मर्दों को बराबर माने जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि पुरुष महिला अफसरों से आदेश लेने को तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सोच पर लानत मलामत कर डाली। स्थायी कमीशन देने से इनकार स्टीरियोटाइप पूर्वाग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं। सेना में उपलब्धियों और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर संदेह पैदा करना न सिर्फ महिलाओं का बल्कि सेना का भी अपमान होगा। कमांडिंग पोस्ट भी और जो इनकी दूसरी पोस्ट है वो दोनों के लिए इनको खोल दिया गया है और sky is virtually the limit and which the court has shown. सुप्रीम कोर्ट इस बात से आहत था कि सेना ने इतने लंबे समय तक महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। अपने फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कर्नल कुरैशी और कैप्टन तान्या समेत 10 जांबाज अफसरों का उदाहरण देते हुए कहा कि महिला अधिकारियों ने सेना का गौरव बढ़ाया है। इंडियन आर्मी की फोर्थ जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तान्या आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से इनकार के बावजूद उसने उसे लागू नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले के बाद महिलाओं को बधाई दी। मैं पूरे दिल से सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। अब युद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सेना के 10 विभागों में महिलाओं को भी स्थायी कमीशन मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है, सेना में सच्ची समानता लानी होगी और ये फैसला सभी नागरिकों को अवसर की समानता और लैंगिक न्याय के साथ सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा। आज तक ब्यूरो। दोस्तों, आपने बचपन से सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगा तलाक। अहमदाबाद में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और संपन्नता तलाक के कारण है और तलाक के मामले इस कारण काफी बढ़े हैं। आपको लग रहा होगा कि छात्र पढ़ाई करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत को लगता है कि ये पढ़ाई की नहीं तलाक लेने की आजादी मांग रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। तलाक के मामले आजकल शिक्षित और संपन्न परिवारों में अधिक पाए जाते हैं। शिक्षा और संपन्नता अपने साथ अहंकार भी लाती है, जिसका नतीजा होता है कि परिवार टूट जाते हैं, समाज भी अलग हो जाता है। अब समझे कि आखिर क्यों देश की अर्थव्यवस्था की दुर्गति से देश का भला हो रहा है। न संपन्नता आएगी, न आदमी शिक्षित होगा और न ही तलाक होंगे। संघ वाले मोहन के ज्ञान की क्रोनोलॉजी को समझिए। अच्छी शिक्षा को अधिकार बनाना बहुत खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि अधिकारों से जागरूकता आती है, जागरूकता से संपन्नता आती है और शिक्षा और संपन्नता दोनों मिलकर बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जो लोग शिक्षित और संपन्न हो जाते हैं वो तलाक लेने लगते हैं और आखिर में शिक्षित लोग समाज को तोड़ने लगते हैं। क्या संघ परिवार और भाजपा अब ये चाहते हैं कि इस देश के सब व्यक्ति अनपढ़ और गरीब बन जाएं? इस प्रकार की दकियानूसी मानसिकता न समाज के लिए सही है और ना सत्ताधारी पार्टी के लिए।
तो सोचिए शिक्षा कितनी खतरनाक चीज है। वैसे हमने तो सुना था कि विद्या ददाति विनयम, मतलब शिक्षा से आदमी विनम्र होता है। मोहन भागवत ने उल्टी किताब पढ़ ली होगी कि शिक्षा से अहंकार आता है। ये कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई की वजह से, आगे बढ़ जाने की वजह से, एरोगेंस की वजह से महिलाएं डिवोर्स ले रही हैं, डिवोर्स का दर बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी देश की बेटियां, हम चाहें कि वो आगे, हम चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़े। तो मोहन भागवत के ज्ञान से क्या समझे? ऐसे ही नहीं उनके अनुयायी कहते घूम रहे हैं कि जेएनयू, जामिया हैदराबाद, उस्मानिया, आईआईटी, आईआईएम, सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों पर ताला लगा दो, न रहेगी शिक्षा, न आएगी संपन्नता और न होंगे तलाक। मोहन भागवत के संघर्षों को उसी दिन पूर्णाहुति मिलेगी। क्या आप मोहन भागवत की प्रसन्नता के लिए शिक्षा और संपन्नता जैसे तुच्छ चीज का भी परित्याग नहीं कर सकते? आप कैसे राष्ट्रवादी हैं? बताइए आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।